अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है और आज हम लोग जिस चोरी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द हंगर आर्टिस्ट। ये फ्रांसिस काफ्का की एक शॉर्ट स्टोरी है जो ओरिजिनली जर्मन में लिखी थी और उसको फिर फर्दर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया हुआ है। मैंने उसको इंग्लिश में पढ़ा था। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप दूँ स्टोरी का, तो यूरोप के अंदर इन द 17, 18 और 19 सेंचुरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सर्कस का ट्रेंड था, आर्ट का ट्रेंड था। तो बतौर एंटरटेनमेंट के लिए तो इतने सारे आर्ट फॉर्म्स के अंदर एक आर्ट फॉर्म था हंगर आर्टिस्ट। अब भाई हंगर आर्टिस्ट कौन है? तो हंगर आर्टिस्ट वो लोग होते थे, ज़्यादातर मर्द होते थे जो 40 दिन तक कुछ भी नहीं खाते थे, पिंजरे में बंद हो जाते थे, 40 दिन तक कुछ नहीं खाते थे और उनको लोग देखने आते थे। जब वो कुछ खाते ही नहीं थे तो उनकी हड्डियाँ वड्डियाँ सारी नज़र आ रही होती थी, जिस तरह उनका रिबकेज नज़र आ रहा है और उनकी बोन्स सारी नज़र आ रही हैं, तो बिल्कुल ही ना वीक हो गए हैं। और एक बहुत क्या कहते हैं एस्टोनिशिंग, एक यूनिक चीज़ थी जो आमतौर पर नहीं देखने को मिलती थी। तो इस नॉवेल के अंदर एक हंगर आर्टिस्ट ने अपने जितने भी रिमार्क्स हैं, अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको शेयर किया हुआ है। तो होता कुछ इस तरह है कि हंगर आर्टिस्ट स्टार्टिंग में तो उनको बहुत ही ज़्यादा लोग एस्टोनिश होते हैं, उनको हैरान होते हैं, परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब वो बच्चों से देखते हैं ना कि बच्चे हैरान हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो मोटिवेटेड खुश फील करते थे हंगर आर्टिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे वो ठीक है, वो एक पिंजरे में रहते थे 40 दिन तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वक्त गुजरना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि जो नौजवान है ज़्यादातर दे आर गेटिंग बोर्ड, वो एतराज़ उठाना शुरू हो गए हैं कि भाई जो हंगर आर्टिस्ट है ना, ये तो एक तो खाता होगा, हम कैसे यकीन करें कि कुछ खाता ही नहीं है, और ये तो फेक है, ये तो आर्ट ही नहीं है, ये तो आउटडेटेड है, तो वेस्ट ऑफ मनी है। तो अब वो ये बात सुन के हंगर आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, यार मैं तो रोज़े रख रहा हूँ, अच्छा ये 40 दिन का रोज़ा रख के तो मैं बिल्कुल ही हैरान परेशान हो गया हूँ, मुझसे तो एक दिन भी मुश्किल से हो रहा है। तो ये इस तरह हंगर आर्टिस्ट रख रहा था, मगर जब उसने एक बार सुना कि उसके और बाकी क्रू मेंबर्स जो हैं, जो टिकट सेलर बाकी लोग हैं, जब उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू हो गए कि यार हम तो रात को चले जाते हैं, हंगर आर्टिस्ट खाता होगा, तो बस उसका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया। अब उसने सोचा कि अगर मैं ये 40 दिन है, 40 से ज़्यादा दिन रखूं तो लोग फिर खुश हो जाएंगे, फिर मेरी आर्ट को रिस्पेक्ट देना शुरू होंगे, क्योंकि आर्टिस्ट को सिर्फ रिस्पेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो एक म्यूज़ियम चले जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जाके ना वो रहना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं। मगर जैसे ही ज़्यादा लोग आते हैं तो उसको ज़्यादा बातें सुनने मिलती हैं। अब पहले वो एक मेन अट्रैक्शन था, अब वो साइड अट्रैक्शन भी नहीं रहा, उसके साथ जानवर रखना शुरू हो गए म्यूज़ियम वाले, जो उनकी अलग बदबू। तो वहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता और वीक होना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो 40 दिन से ज़्यादा रख रहा है, वो कुछ भी नहीं खा रहा, ठीक है, कि लोग और ज़्यादा एस्टोनिश होंगे, उसकी आर्ट को रिस्पेक्ट मिलेगी, मगर वो नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से वो आहिस्ता 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 बिल्कुल ना अपनी लास्ट स्टेज पे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे एक दफ़ा उसके पास सुपरवाइज़र आता है और वो पूछता है, भाई आप ये क्यों कर रहे हैं? तो वो इस सेंटेंस पे ख़त्म होता है कि आई डिडंट फाइंड एनीथिंग विच आई लाइक टू ईट। तो इस तरह के हंगर आर्टिस्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा सा नावल है, उसके अंदर जो माशाल्लाह वोकैबुलरी है दैट इज़ रियली ग्रेट, और मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा सबको कि उसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये थे, तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया।